हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 की एंडिंग के बारे में कि दरअसल उसकी एंडिंग जो है किस तरीके से जो है आप कह सकते हो जस्टिफाई करें, तो उसे किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करें कि उसकी जो एंडिंग है वो क्या चीज़ दिखाना चाह रही है, क्या उसका सीजन 3 आएगा या नहीं, उस पॉसिबिलिटी के बारे में भी हम जो है चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सारी पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले अब देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि सीरीज की जो एंडिंग है नॉर्मल तरीके से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। तो सीरीज की एंडिंग हमें दिखाती है कि एक जो है उल्का पिंड वाला अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के जो कुछ लोग थे जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे वो सब एक मिनट के लिए मर गए थे, उनकी हार्ट बीट जो रुक गई थी, जिसकी वजह से वो एक तरह के ड्रीम में चले गए थे। वो ड्रीम आपस में कनेक्ट भी था, आप इस रेफरेंस को ले सकते हो, लेकिन उसके बाद में वापस सब जिंदा हो गए। लेकिन वो एक मिनट का जो उनका हार्ट अटैक था, आप कह सकते हो उनका जो दिल की धड़कन बंद हो गई थी, एक मिनट की जो मौत थी, उसके अंदर वो जो आपस में कनेक्ट हुए थे वो एक तरह के आप कह सकते हो इनसेन गेम में चले गए थे, जिसमें उन्होंने अपना पूरी लाइफ जो है आप कह सकते हो पूरी लाइफ को अपने आंखों के सामने देख लिया था कि उनका जो कैरेक्टर वो किस तरीके का है, वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको जो है आप कह सकते हो कि गेम के जरिए से समझाने की कोशिश की जाती है। एंडिंग हमें नॉर्मली ये चीज एक्सप्लेन करती है, लेकिन 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 क्या ये एंडिंग इतनी ज्यादा रियल है या नहीं, और क्या इसके अंदर कुछ और मीनिंग भी छुपे हुए हैं या नहीं, सारी बातों के बाद इसमें करने वाले हैं। देखो जो हमें एंडिंग में देखने के लिए मिला, तो हमें सिर्फ वही कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं अस्पताल के अंदर जो कि उस जगह पे मौजूद थे, या कह सकते हो कि जो गेम में मेन कैरेक्टर बचे हुए थे वही हमें अस्पताल में देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसा कैसे, सबसे पहला सवाल यही निकल कर आता है कि अरीसू को अपने दोस्तों के साथ जब मस्ती कर रहा था, आपने अगर जो लास्ट का सीन देखा होगा जो अरीसू जो है जिस रोड पर मस्ती कर रहा था, तो किसी ना किसी तरीके से वो उन सबको देख लिया था, लेकिन वो पूरा इंटरेक्ट नहीं किया था, किसी को खड़ा देख लिया था, किसी को गाड़ी में देख लिया था, किसी को जाते हुए देख लिया था, पास हुआ था, मतलब इस तरीके से हल्की हल्की नजर पड़ी, जिस वजह से वो कैरेक्टर जो थे आप कह सकते हो ड्रीम के अंदर एक कहानी बन गए, वो कैरेक्टर रियल नहीं थे उस वक्त के लिए अगर आप उसकी एंडिंग के हिसाब से जाओ। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है कि इसमें जो है एक ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, क्योंकि अगर ये ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर हाँ भाई इसमें मान के चलो कि उन्हें ड्रीम आया था, उल्का पिंड अटैक हो गया, एक मिनट की मौत आई और उसकी वजह से उन्हें ड्रीम आ गया, तो वो ड्रीम आपस में सेम कैसे हो सकता है, सबसे पहला यही सवाल। अगर वो ड्रीम था तो सेम कैसे हुआ, उसके अंदर के जो जख्म थे, उसके अंदर जो लोग इंजर्ड हुए थे वो लोगों के सेम कैसे रहे, क्योंकि एंडिंग में सिर्फ हमें ये अरीसू का ड्रीम जो है समझाने की कोशिश की गई, तो बाकी कैरेक्टर उसी तरीके से एग्जैक्ट जो है घायल कैसे हो गए, जैसे कि निरागी जो थी उसकी आंख पे जख्म हुआ था, जो ओसागी थी उसके पैरों में जख्म हुआ था, और हमें जो है रियल लाइफ में आने के बाद में वही चीज देखने के लिए मिलती भी है। और चलो हमने यहां तक भी मान लिया कि जो ये जख्म थे वो रियल थे और सेम सेम इस वजह से थे कि वो जो अटैक हुआ था उल्का पिंड वाला, तो उस वक्त जो चीज उन्होंने देखी वो उनकी इमेजिनेशन में चली गई, क्योंकि वो एक तरह का आपस में भ्रम था और वो जख्म उसी वक्त लग चुके थे, किसी के पैर में लग चुके थे, किसी के मतलब पैर में कुछ घुस गया होगा, किसी के छाते पे कुछ लग गया होगा, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे चिस्या जो था उसके गोली के जख्म ही दिखाए गए, वो कोई और से भी जख्म हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये निकल कर आता है कि जो गेम के अंदर हमें सिटीजन देखने के लिए मिले वो वापस क्यों नहीं आए, और बाय चांस अगर वो वापस नहीं भी आए तो हमें उनकी डेड बॉडी देखने के लिए क्यों नहीं मिली, कि मान के चलो ये वापस जिंदा आ गए तो ये जो थे वो कैरेक्टर थे जो कि वापस आ गए, जो वहां का सिटीजन नहीं बनना चाहते थे, एक तरह से ड्रीम के अंदर की कहानी है। लेकिन ड्रीम के अंदर जो बाकी कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिले, जैसे कि क्यों वहां का सिटीजन था, वो वहां मर भी गया, तो मरने के बाद में हमें उनकी डेड बॉडी वगैरह क्यों नहीं दिखाई गई, ताकि हमें जो ये एंडिंग जो है पूरी तरीके से रिवील हो जाए कि दरअसल वहां जो लोग थे जो मरे थे तो वो मरे भी जो थे वही लोग मरे थे जो कि गेम के अंदर एग्जैक्ट मर चुके हैं। देखो इस चीज को और भी ज्यादा डीपली समझाने की अगर कोशिश की जाए ना तो कहानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम इन सारी चीजों का मतलब एक ये निकाल सकते हैं कि अभी तक जो भी हमें एंडिंग देखने के लिए मिली है सीजन 2 की वो भी रियल नहीं है, लास्ट वाली एंडिंग भी रियल नहीं है, जो कि इसकी बाकी तीन एंडिंग जैसे ही फेक होने वाली है। बताओगे बाकी तीन एंडिंग कौन सी है, तो आपको जैसे कि पता होगा इसमें तीन एंडिंग और देखने के लिए मिलती, एक थी वर्चुअल रियलिटी वाली, एक वर्चुअल रियलिटी वाला गेम खेला जा रहा है जिसमें ये कंट्रोल है, ये सब हिप्नोटाइज्ड गेम खेलने हैं रियल, मतलब एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर खुद के कैरेक्टर को डेवलप करके। दूसरा एंडिंग हमें ये देखने के लिए मिलती है कि जो वीआईपी लोग हैं वो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे गेम खिलवा रहे हैं। और तीसरी एंडिंग हमें जो है सम काइंड ऑफ थेरेपी देखने के लिए मिलती है कि ये किसी तरीके डिप्रेस हैं, इनके सेशंस चल रहे हैं, उन्होंने दिमाग के किसी कोने में इस तरह का एक जो है गेम कॉर्नर बना रखा है जहां पे ये
अपनी एबिलिटी को चेकआउट कर रहे हैं, जो भी उस तरह का खेल रहे हैं, जो भी उनके अंदर के डिप्रेशन है वो उस कोने में जाके जो है अपने सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से इन तीनों एंडिंग के साथ ही जो है हमारी ये चौथी एंडिंग जो है उल्का पिंड वाली, ये भी रियल नहीं है। अब आप कहोगे रियल नहीं है तो अब रियल क्या है? तो जैसे कि आपने अगर एंडिंग देखी होगी तो एंडिंग में हमें जो है जोकर का ताश देखने के लिए मिलता है। एक टेबल पर जो कि आप कह सकते हो ताश वगैरह खेल रहे थे लोग बाग, और वहां पर एक जोकर का ताश रिवील होता है। आपको जैसे को पता है कि जोकर जब आता है तो पूरा गेम जो है पलट देता है। तो शायद इस बार हमें जो है इसकी असली रियलिटी देखने के लिए मिले कि दरअसल इस गेम के पीछे का मेन रीजन क्या था, क्या है इसके पीछे की आज और ज्यादा वजह। और इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि हमें चार पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिली थी, जिसमें से लिटरली दो तीन पॉसिबिलिटी मैंने खुद जो है आप कह सकते हो अज्यूम या प्रिडिक्ट कर ली थी कि हाँ भाई या तो ये वर्चुअल रियलिटी वाला गेम हो सकता है या कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ये आपस में किसी तरीके से एलियन कह सकते हो उस वजह से कनेक्ट हो गए हैं, या उल्का पिंड वाला मेरे दिमाग में कहीं तक नहीं आता। ये मुझे जो है नया सरप्राइजिंग देखने के लिए मिला, लेकिन ये भी जो है इतना जो है जस्टिफाई देखने के लिए नहीं मिला। और यही चीज है कि इसका जो सीजन 3 अगर आया तो मैं इसके लिए पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अब ये और क्या चीज ऐसा दिखा सकते हैं जिसकी वजह से हम इसे और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सीजन 2 लगभग आप ऐसे समझ सकते हो ये एंडिंग है। अगर आप इसकी एंडिंग पर ज्यादा ध्यान ना दो, आप ये सोचो कि हाँ चलो ये सब कुछ ऐसा था, ऐसे ही दिखाना चाह रहे थे, ऐसी एंडिंग हो चुकी है, तो इस पर ज्यादा कोई जरूरत नहीं आ गई इसे पार्ट बनाने की। लेकिन जो इसकी जो एंडिंग है वो रियल नहीं है। इसके कुछ ये पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं। अब आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि और क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एंडिंग है वो और क्या चीज दिखाना चाह रही है। मैंने भी ज्यादा डीपली नहीं बताया, मैंने मोटी मोटी कहानी जो है आपके सामने रखी है। आपको क्या लगता है कि एंडिंग जो है इसी तरीके से दिखाई गई थी या ये इसका सीजन 3 के रास्ते खोले हैं या सीजन ये चारों एंडिंग यहाँ पे फेक है? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा आपकी राय, आपके ओपिनियन की आप क्या सोचते हैं उसकी एंडिंग के लिए। और क्या आप लोग भी जो है सीजन 3 देखना चाहते हो या नहीं, क्या आपको सीजन 3 चाहिए या नहीं, बताना जरूर कमेंट में। और उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते वीडियो को एंड, आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।